आज हम आप पहुंचे हैं श्री जैन सरस्वती वेद विद्यालय। यहाँ पर हम अध्यापकों से, आचार्यों से जानने का प्रयास करेंगे कि वह इन दिनों कैसे और क्या शिक्षा का अध्ययन अपने बच्चों को करवा रहे हैं। वैसे यह यहाँ धर्म क्षेत्र का इकलौता विद्यालय है जहाँ आज भी अति अनसुईया के गुरुकुल की तरह ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यानी लिखने से ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने का मामला चलता है यहाँ पे। कहते हैं कि संस्कृत पिछड़ी भाषा है, लेकिन आज इस विद्यालय में यह सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत पिछड़ी नहीं बल्कि सबसे अगली भाषा है। विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, क्योंकि हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो या अन्य भाषाएं हैं, किसी के पास 20,000 शब्दों की क्षमता ही नहीं। संस्कृत ही इकलौती भाषा जिसके पास 5 अरब से ज़्यादा शब्द उसके शब्दकोश में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नासा ने यह सिद्ध किया कि जो अंतरिक्ष की भाषा है, जिसका उपयोग हमारे यहाँ लाखों साल से ऋषि करते रहे हैं, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष की फ्रेंडली भाषा अगर कोई है तो वह संस्कृत है। इस तरह से जो बीच में जनमानस के पास फैलाया गया कि संस्कृत एक पिछड़ी भाषा है, इसको मारने का प्रयास किया, आज हमारे चित्रकूट में इसको जिंदा कर समुन्नत ले जाने का और प्रयास कैसे हो रहा है, ये हम जानते हैं वेद विद्यालय के आचार्यों से। श्री पाठक भी हमको बताएंगे कि वह इन दिनों कैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। जी पाठक जी बताएं आप। जी जैसा आपने बताया अभी कि संस्कृत हमारी जननी है, और वास्तव में अगर हिंदी की भी उत्पत्ति हुई है तो संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, और जितनी भाषाएं जानी जाती हैं ज़्यादातर उसमें संस्कृत भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है, और प्राचीन काल में संस्कृत से ही बात किया जाता था, संस्कृत ही बोली जाती थी, हिंदी नहीं बोली जाती थी। अब धीरे धीरे करके हिंदी बोलने लगे हैं। बाकी हम लोग का, हमारे विद्यालय का ये ऐसा प्रयास रहा है कि आज भी पूरे बुंदेलखंड में एक विद्यालय चल रहा है जो वेद पाठशाला के नाम से है, श्री जैन सरस्वती वेद पाठशाला के नाम से चल रहा है। उसमें हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे भी बच्चे संस्कृत में ही बात करें, और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी संस्कृत में ही बात करें, और संस्कृत से ही सारे चीज़ हमारे होते रहें और हम संस्कृत को आगे बढ़ाएं। आज जो कोरोना महामारी फैली हुई है, आज सारे लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है, क्वारंटाइन है, वो सारे प्राचीन जो पहले से ही हम लोग करते थे वही चीज़ अब लोग कर रहे हैं। पहले पालन किया जाता था, आज वही लोग पालन करने को मजबूर हो गए हैं। विदेशों में भी आज वही कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति को नहीं मानते थे, आज क्वारंटाइन हो रहे हैं, घरों में हो रहे हैं, होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। ये वही चीज़ है जिसको हम लोग शुरू में प्राचीन काल में बताते रहते हैं। इस समय वर्तमान में जब बच्चों को लॉकडाउन होने के बाद घर भेज दिया गया, नया शिक्षण सत्र चालू हो चुका है, आप लोग कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या आपने तैयारी की हुई? जी हमने वो टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया हुआ है, प्रथम वर्ष से लेकर सप्तम वर्ष तक का यहाँ कोर्स चलता है वेद का, तो सभी ग्रुप में बच्चों को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है, और उसी ग्रुप के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऑनलाइन का ऐसा प्रक्रिया अपनाया, जो पहले बताया कि संजय भी इस तरह महाभारत में किया करते थे और ऑनलाइन ही करते थे, आज वही दशा फिर से वही चालू हो गया है जो हम लोग ऑनलाइन मतलब पढ़ा रहे हैं, और प्रथम से लेकर सप्तम वर्ष का सभी को अलग अलग विद्यार्थियों को जोड़ा गया है, और हम लोग सस्वर वेद का अध्ययन ऑनलाइन ही करा रहे हैं। अपने वेद विद्यालय में कौन कौन से कोर्स संचालित हैं? जी हमारे यहाँ 4 वेद हैं जिसकी 5 शाखाएँ हैं, जिसमें ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं। अथर्ववेद एक शौनक शाखा है और एक पैपलाद शाखा है, 2 शाखाएँ हैं। बाकी संस्कृत के भी हैं, ज्योतिष के भी हैं, आधुनिक के भी हैं, जितने भी सामान्य विषय हैं वो सब भी चलते हैं। आधुनिक विज्ञान में आप कौन कौन सी शिक्षा देते हैं बच्चों को? जी आधुनिक विज्ञान में ये सामाजिक विज्ञान है, ज्योतिष के विषय में बताए जाते हैं, मतलब सारे जो सामान्य वर्ग के हैं वो सब भी होते हैं वेद के साथ साथ। क्या कंप्यूटर वगैरह की भी शिक्षा देते हैं? कंप्यूटर की भी शिक्षा देते हैं जी। तो क्या कंप्यूटर की भाषा अब अपने यहाँ संस्कृत में उपलब्ध है? जी कंप्यूटर की भाषा संस्कृत में तो उपलब्ध है, लेकिन उसको और ज़्यादातर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
क्या आपके यहाँ कोई आईटी सेक्शन से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि और डेवलप करें कुछ सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा? जी 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 कर रहे हैं। हमारे पी एस सुब्रमण्यम सचिव जी हैं जो यहाँ के सब मैनेजमेंट को देखते हैं, उन्होंने सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और धीरे धीरे करते रहेंगे, उनका ऐसा आश्वासन है, चलता रहेगा। तो इस दौरान आप जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जी, तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं कि क्या यह प्रक्रिया कारगर है? जी तो कारगर तो है, पूर्ण रूप से कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है और उसको अपनाया जा रहा है किसी पर, क्योंकि सारे लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं ऑनलाइन में, चाहे विद्यार्थी तो हैं लेकिन सभी लोग, कुछ विद्यार्थी ऐसे जो गरीब हैं उनके पास नहीं है, किसी के पास नेट नहीं है, तो इस वजह से जुड़े तो हैं लेकिन 70% जुड़े हैं, पूरा 100% नहीं जुड़े हैं। तो इस विद्यालय में आकर देखा कि अब संस्कृत ना तो पिछड़ी है और ना ही किसी दूसरी भाषा की मोहताज है। यहाँ पर बच्चों को मुफ्त रहना, खाना, वस्त्र भी दिया जाता है और सबसे बड़ी बात दी जाती है संस्कार, जो कि पिछले लगभग 500 सालों से हमारे देश से गायब होता जा रहा है। यह कुचक्र था पहले मुसलमानों का और बाद में ईसाइयों का, हमारे धर्म स्थलों को बर्बाद किया गया, हमारे विद्यालयों को बर्बाद किया गया, हमारे बड़े बड़े देश में नालंदा और तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में रखे हुए अकल्पनीय अकथनीय ऐसे ऐसे ग्रंथ थे वहाँ पे, इतनी प्राचीन पाणिनी लिपियाँ थीं वहाँ पे, जिसमें जो दिया हुआ था कि आज तक जो खोजें अभी नहीं हो पाई हैं वो भी उसमें हो चुकी थी, उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक बार पुनः यहाँ पर वेद विद्यालय के जरिए हम नए शिक्षार्थी तैयार कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु के पटल पर फिर से पहुँचे।